ये देखिए, मैंने बैग पल्ला को पहले ही मोड़ रखा हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे। इसका दामन पहले ही बना रखा हूँ। अब बैग पल्ला को हम इस तरह लेंगे, ये उल्टा हिस्सा में लेंगे और ये फ्रंट पल्ला को सीधा हिस्सा में लेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब वो ये शोल्डर लेंगे, तीरा को इस तरह हम बैठा लेंगे। एक दाब का सिलाई मारते हुए ऊपर का किनारे लगाएंगे सिलाई। इसको प्रेस पे तोड़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे को आदत है कि प्रेस से नहीं तोड़ता हूँ। मैं ऐसा ही मेरे को अंदाज बना हुआ है, इसलिए मैं इसको अच्छा से फोल्ड करके मैं सिलाई मार लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो ये लूप बनाया है, ये लूप यहाँ पे डाल देंगे। बिल्कुल बीच सेंटर में रहेगी ये लूप, और ये पॉइंट है ना, यहाँ पे रहेगी बीच सेंटर में। तो हम आस्तीन बनाएंगे। पहले इधर हम थोड़ा मोड़ देंगे आस्तीन को। ये गल्फी पट्टी को मैं पहले तोड़ रखा हूँ, इसको इसमें फंसा देना है। काफी मार
इसको आधा से यहाँ से सिलाई मारेंगे। इसको अच्छा से बैठा लेंगे और ये कपड़ा को फोल्ड करके जो बाकी जो कपड़ा बढ़ रही है इसको अच्छा से मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। मैं एक दाग का सिलाई यहाँ तक पहले से बांध रखा हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे मार्क लगा देंगे, एक मार्क लगा देंगे। ज्वाइंट के पास एक प्लेट मार देंगे। से एक दाग का सिलाई आस्तीन ले लेंगे और दोनों को नाप के देख लेंगे कि आस्तीन और मोल सही आ रही है या छाटना पड़ेगी। अभी दे दे हाँ, बाद में आके ले लीजिए, इसकी अर्जेंट है, इसको देना है। ठीक है, हाँ पहले हम इसको देख लेंगे कि दोनों बराबर आ रही है। तो ये उल्टा है, मैं सीधा हूँ, नाप रहा हूँ, तो मैं दोनों को उल्टा करूँगा, नहीं तो आस्तीन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये आस्तीन भी उल्टा है, बॉडी भी उल्टा है। अब हम इसको ऐसे ये पल्ला ले लेंगे, एक दाब फोल्ड करके अस्तिन लगाने के बाद साइड में सिलाई मार लीजिए, ज्वाइंट में ऐसे ऐसे बैठा लीजिए। ये दो पैकेट का मुंह है, दोनों बराबर करके अच्छा से टक्की मारिए ताकि बाद में फटे ना। यहाँ पे टक्की अच्छा मारिए,
यहाँ पे भी अच्छा टाका टाका मारिए। इसी तरह दूसरा भी शायद सिलाई मार लीजिए। हम पैकेट लाएंगे, ये पल्ला को खोल लीजिए। ये देखिए पैकेट में पहले से बना रखे हैं। इसको फोल्ड करके चौक का मार्क लगा लीजिए। हम कलर बनाएंगे, फिर इसके बाद कलर लगाएंगे। ये कलर हो गया, पहले इसको एक दाब का बैंड में सिलाई मारेंगे। यहाँ पे चक्का मार देंगे। ये फ्रंट पल्ला को इस तरह बैठा लीजिए, यहाँ पकड़ लीजिए। ये नाप के देखिए कि हमको कितना कपड़ा को कट करना पड़ेगा। कभी भी कपड़ा है और इसे थोड़ा कम ही कट कीजिए, एक बार दो बार करके कट कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा कट जाएगी तो फिर बैठ ही रहेगी। फिर से नाप के देखेंगे, देखिए ऐसे आ गई है। थोड़ा गोलाई करेंगे यहाँ पे,
इसको यहाँ बीच सेंटर से पकड़ना है, कॉलर को बीच से सिलाई मारते हुए बीच में उतार देंगे। ये देखिए पूरा फुल कंप्लीट हो गई पैठानी, ये ऐसी रहेगी, यहाँ पे बटन लग जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी बजाना ना भूलिए।